नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के द्वारा ज्ञापन देकर मांग की गई थी। आज संपूर्ण भारत लव जिहाद की आग में झुलस रहा है। हजारों गैर मुस्लिम लड़कियां इसकी शिकार हो रही हैं। उन्हें गाजर मूली की तरह काटकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियों को वैश्यवृत्ति के दलदल में पटक दिया जाता है। इसके कारण संपूर्ण हिंदू समुदाय आक्रोश में है। आज भी केरल प्रदेश से हजारों लड़कियां गायब है। देश के अन्य प्रदेशों से भी कई लड़कियां गायब हो गई हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर संपूर्ण ब्राह्मण समाज समिति ने कलेक्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इन कृतियों को रोका जाना चाहिए एवं लव जिहाद जैसी स्थिति आए तो अभिभावकों को भी पूर्व मौका देना चाहिए अपने लड़के लड़की से बात करने का, समझाने का ज्ञापन सौंपते समय जिला प्रवक्ता संदीप पचौरी, दीपक दुबे, प्रदेश सचिव, जिला महिला प्रकोष्ठ सचिव सोनाली पांडे, वर्षा तिवारी एवं युवा अध्यक्ष राहुल दुबे आदि लोग एकत्रित थे। अखंड ब्राह्मण महासभा समिति की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय में माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया जिसमें हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम के द्वारा जो भी लव जिहाद के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ हम सभी हिंदू संगठनों से ये भी अनुरोध करते हैं कि सारे लोग एक साथ आएं और इसको रोकने में हमारी सहायता करें, मदद करें। साथ ही साथ ये भी शासन से हम चाहते हैं कि जो लड़के लड़की 18 और 21 हो गए हैं उनको पूर्ण शासन ने पूर्ण ये दिया कि अब आप शादी कर सकते हो, तो थोड़ा सा पेरेंट्स की भावनाओं को समझते हुए बिना पेरेंट्स की अनुमति के ये चीज़ें ना हों इस पे भी अंकुश लगाया जाए। ऐसे कानून ना बन जाए जिससे माता, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी कानून भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप हिंदू कन्या हैं तो आप बिना पेरेंट्स के उनकी आप, हाँ बिल्कुल, उन्हीं की सहमति से ही ये होना चाहिए, ऐसा कानून भी बने। नाम मेरा नाम दीपक कुमार दुबे, प्रदेश सचिव अखंड ब्राह्मण महासभा। जैसा कि आज ये विषय उठाया गया है कि हिंदू कन्याओं के साथ में जो भी अभी तक लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, इस विषय पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर विवाह का स्वरूप जिस तरह से अगर किसी लड़के का मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में विवाह होता है तो ये ज़रूरी उस पर बंधन लगाना चाहिए कि अगर मुस्लिम लड़का अपना मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह करता है वहाँ पे हिंदू कन्याओं के साथ में अगर वो विवाह हिंदू परंपराओं से संपादित नहीं होता है तो उसको वैध न माना जाए, और जब तक ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तब तक इस चीज़ को रोकना कठिन होगा। धन्यवाद। मैं संदीप पचौरी, प्रवक्ता अखंड ब्राह्मण महासभा समिति जबलपुर। और यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा है कि एक अधिकार हम लोगों को भी दिया जाए कि मान लो बच्चे अगर कुछ गलत जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को उस चीज़ को रोकने का अधिकार हो। अगर आप बच्चे मैरिज करने जा रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे कर रहे हैं, अगर हम लोग मना ना चाहें बच्चे वहाँ ना करें तो उससे क्या होगा, लग जाए थोड़ा सा। ठीक है, नाम जब भी ये चीज़ों के लिए बच्चे प्रेरित होते हैं या आते हैं मैरिज करने के लिए, कोर्ट मैरिज आते हैं लव जिहाद के, उसमें तो माँ बाप की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी सहमति के बिना ना ही कोई विवाह हो पाएगा, उनकी अनुमति रहेगी तो बच्चे कर नहीं पाएंगे और ना एक स्टेप भी ले पाएंगे। अगर माँ बाप की अनुमति होगी तो ही वो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, बहुत ज़रूरी है। सोनाली पांडे, जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.